दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS Education News में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय LDC एग्जाम 2019 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों आंसर की आप लोगों ने चेक कर ली होगी, अगर नहीं किया तो कर सकते हैं और उस पर ऑब्जेक्शंस भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आंसर की आने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी, तो इतने नंबर हैं तो आप टाइपिंग की अपनी तैयारी कर सकती हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का संपूर्ण विश्लेषण, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितने नंबर बढ़ सकते हैं, पिछली वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़े थे, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। नॉर्मलाइजेशन का पिछली वैकेंसी का प्रूफ भी हम दिखा रहे हैं कि किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़े थे, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आपको कंप्लीटली देखना है और वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे लाइक करना है, चैनल को वीडियो को भी लाइक करना है और इसे शेयर भी करना है। और सबसे सटीक कट ऑफ अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं आगे वीडियो में जानेंगे, तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा विश्लेषण हमने किया है इस वीडियो में, संपूर्ण आपकी वैकेंसी की डिटेल्स, क्या क्या इसमें पूछा गया था, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत, सबसे सटीक जानकारी। तो दोस्तों देखते रहिए ये पूरा वीडियो। सबसे पहले मैं बताऊँ दोस्तों आपके लिए जो LDC की जो वैकेंसियाँ थी वो कितनी थी, देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोगों के सामने है। टोटल वैकेंसी हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 135 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी कितनी थी, 135 वैकेंसी थी। देखिए जिसमें UR की सामान्य की 63, EWS की 6, OBC की 36, SC की 20, ST का 10, ठीक है, और ये विकलांग कैंडिडेट की और एक्स सर्विसमैन की भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो हो गई वैकेंसी की बात, बहुत से अभ्यर्थियों को पता नहीं कि वैकेंसी कितनी थी, तो 135 कुल वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए अगला, यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा गया था इसमें, देखिए ये आपके 120 नंबर का पेपर था और 120 ही सवाल आए थे, ठीक है, 120 का पेपर, 120 सवाल आए थे और नो नेगेटिव मार्किंग नहीं था इस बार, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो ये तो हो नहीं सकता कि सब 120 के 120 सब सही करके आए, ऐसा नहीं हुआ है। और 120 नंबर का ये आपका कुल पेपर था दो घंटे के दौरान। अब देखिए दोस्तों आपका जो सवाल है नॉर्मलाइजेशन का, किस शिफ्ट में कितना होगा, तो ये पिछला जो NVS का जो एग्ज़ाम्स था LDC का, उसमें पदों की संख्या ज़्यादा थी, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ था, कितने मार्क्स बढ़े थे, तो ये देखिए 11/9/2018 का ये नोटिफिकेशन है जिस दिन ये रिजल्ट को आउट किया गया था। अब देखिए यहाँ पर NVS LDC का जो पिछला जो वो था एग्जाम, देखिए यहाँ पर आप लोग LDC एंड स्टोर कीपर, ये डेट ऑफ बर्थ नाम, कैंडिडेट्स का नाम दिया, कैटेगरी दी गई है, ठीक है, मेल फीमेल। और यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे, अब देखिए इनके मार्क्स थे, देखिए 31 मार्क्स थे, यहाँ पर देख 44 पॉइंट कुछ हो रहे हैं, यहाँ पर 49 मार्क्स थे और इनका हो गया 58.99, तो ये देख नॉर्मलाइज मार्क्स है, एक्चुअल स्कोर है, तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए 56 से यहाँ पर हो गए इनके 64.43, 47 से देखिए 57 हो रहे हैं, 37 से लेके देखिए 49 पे चले गए हैं, 38 से लेके 50 हो गए यहाँ पर, देखिए आप लोग देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का, देखिए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स बढ़े हैं, 10 से 12 या 13 तक 14 तक मार्क्स यहाँ पर बढ़े हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन आप लोग मान के चलिए 12 से 13 मार्क्स तो मिनिमम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। तो ये पिछली वैकेंसी का नॉर्मलाइजेशन था और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखिए किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, तो देखिए दूसरी और तीसरी जो शिफ्ट है उसमें चांस हैं, उसमें ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकते हैं, और फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें तो उसमें कम मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसे दूसरी और तीसरी शिफ्ट में 10 बढ़े तो यहाँ पर 6 या 5 बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा दूसरी और तीसरी जो शिफ्ट में जिनका एग्जाम्स था, पेपर था, उनको यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपकी जो नवोदय विद्यालय समिति LDC एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकती है, और अभी अभी हमने ये वीडियो तैयार किया है, समय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 10:01, 27 सितंबर 2019। अब देखिए आंसर की के बाद का ये कट ऑफ है, आंसर की के बाद का कट ऑफ है, सबसे सटीक जानकारी। तो देखिए दोस्तों ये रहेगी आपकी कट ऑफ, यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 90+ हैं जनरल वालों के, तो
आप लोग निश्चिंत रहें, एक सेफ स्कोर में है 90+ जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात करें हम ओबीसी के लिए, तो देखिए दोस्तों ओबीसी लिखे 85+, ठीक है, 85+ अगर ओबीसी में हैं आपके तो भी आप लोग अपनी नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ गई ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस किसकी बार वैकेंसियाँ मिली थी, और इसका जो कट ऑफ है दोस्तों जनरल से कम जाने वाला है, और ये आपका रहेगा 86 या 87 के बीच, ठीक है। ये हो गई बात आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अब बात करें अगली कैटेगरी की, तो देखिए यहाँ पर अगली कैटेगरी आपकी एससी, ठीक है। तो एससी के जिन अभ्यर्थियों के 78 से लेके 82 के बीच मार्क्स हैं, तो वो यहाँ पर सुरक्षित हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप की आप लोग तैयारी कर लें। अब बात करें यहाँ पर हम करें एसटी कैंडिडेट्स की बात, तो एसटी कैंडिडेट्स में 77 से 80 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर सकते हैं। एसटी के लिए 77 से 80 रहेगा, एससी के लिए 78 से 82 के बीच, और विकलांग कैंडिडेट्स, ठीक है, तो 65 से 67 या 65+ मान सकते हैं आप। तो इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी तैयारी कर लें। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, एक 120 मार्क्स का पेपर था उसके हिसाब से बताई है, और 120 मार्क्स का ये पेपर था आप लोगों का, और आंसर की आप लोगों ने चेक कर ली होगी। इस वीडियो के ठीक नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आंसर की के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि एक और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए। आंसर की आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आंसर की का लिंक भी मिलेगा आप लोगों को, वहाँ पे जाइएगा, डायरेक्ट लिंक मिलेगा, और अपनी एंट्रीज पूरी करके वो आंसर की देख सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करना है आप लोगों को कि कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं आंसर की देखने के बाद। और दोस्तों ये जो कट ऑफ बताया है इसमें से आप प्लस माइनस 1 या 2 कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होने वाला है। देखिए अब नेगेटिव मार्किंग की भी जो बात थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत से अभ्यर्थियों को संशय रहा होगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था जिस टाइम पे ऑनलाइन इसके आवेदन भराए गए थे उस टाइम की बात है, तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और ये आपका कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा और सभी शिफ्ट का होगा, लेकिन दूसरी और तीसरी शिफ्ट को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, और ये आपकी कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी भेजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। जय हिंद, जय भारत।